किचन के कुछ ऐसे टिप्स ऐसे ट्रिक्स जिसे देख के आप बहुत खुश होंगे और ये आपके बहुत ही मददगार साबित होगी ये टिप्स और ट्रिक्स। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन यूट्यूबर आकांक्षा के चैनल में। और फिर से मैं कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स किचन के मैं लेके आई हूँ और ये नए टिप्स और ट्रिक्स आपके बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। और ये सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा बचाएगा और आपका समय बचाएगा और आपके किचन में काम करने की एनर्जी को बढ़ाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किचन के ये कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स जो आपको मैं शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहला टिप्स। तो दोस्तों, जैसे हमें ग्रीन चटनी बनानी है और उसको फ्रिज में स्टोर करके रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने कभी कभी देखा है कि हम लोग अगर चटनी बना के फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं तो वो चटनी एक दो दिन बाद थोड़ा सा उसमें उस चटनी का कलर जो है चेंज हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी चटनी एकदम ताजी रहे, ताजी दिखे और उसका कलर बिल्कुल भी ना चेंज हो और एकदम ग्रीन की ग्रीन रहे। तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। तो जब आप चटनी बना रहे हों, टमाटर, धनिया और लहसुन सब आप उसमें ऐड कर दीजिए और उसमें नमक भी ऐड कर दीजिए और उसके बाद सबसे खास चीज़ आप उसमें कर्ड ऐड कर दीजिए। कम से कम आपको 1 से 2 चम्मच के करीब उसमें दही को ऐड कर दीजिए और उससे क्या होगा कि आपकी जो चटनी का कलर है एकदम ग्रीन रहेगा और आप 2 से 3 दिन तक उसको अच्छी तरीके से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना दूसरा टिप्स। तो दोस्तों, अगर हरी मिर्च को आप चाहते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक हरी मिर्च को आप स्टोर करके रखें और वो हरी की हरी रहे, मतलब ताजी की ताजी रहे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उस हरी मिर्च के जो डंठल है उसको निकाल के फेंक देना है। आप मिर्च को पहले अच्छी तरीके से धुल के सुखा लीजिए, उसके बाद डंठल को तोड़ के उसको साइड में रख दीजिए। बाद आप हरी मिर्च को अच्छी तरीके से स्टोर करके अपने फ्रिज में रखिए और देखिए आपके जो हरी मिर्च है काफ़ी लंबे टाइम तक हरी की हरी रहेगी और ताजी की ताजी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा टिप्स। तो दोस्तों, जैसे हमें केले, बैंगन और आलू की सब्जी बनानी है और उसको कट करके अगर आपको थोड़ी देर के लिए रखना है तो आपको क्या करना है कि उस केले और बैंगन और आलू को ना है कि उसको कट करके पानी में रखें। मतलब आप जब भी सब्जियों को कट करें, मतलब जैसे केला हुआ और बैंगन हुआ और आलू हुआ, उसको कट करके आप पानी में रख दीजिए और उसको आप चाहे जब बनाइए, आपकी सब्जियां काली नहीं पड़ेंगी और उसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं बताने वाली हूँ कि भिंडी को हम ताज़ा रखने के लिए क्या करें। जैसे हम चाहते हैं कि भिंडी को काफ़ी दिन तक हम रखें और वो ताज़ी की ताज़ी रहे, फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है, लेकिन किस तरीके से रखें कि वो भिंडी एकदम ताज़ी की ताज़ी रहे? तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल सारी भिंडियों, पहले आप भिंडियों को अच्छे तरीके से धो लें, उसको सुखा लें, उसके बाद हल्का हल्का ऑयल उसमें सारी भिंडियों में लगा लें और उसके बाद उसको स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए और देखिए काफ़ी दिन बाद भी आपकी जो भिंडी है वो एकदम ताजी की ताजी रहेगी। शुरू करते हैं अपना पांचवा टिप्स। अब मैं बताने वाली हूँ करेले के बारे में। तो आप सोच रहे हैं मैं करेले के बारे में क्या बताने वाली हूँ। करेला तो सबको बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जिसको भी पसंद है, आप जानते हैं कि करेला कड़वा होता है। अगर करेले का थोड़ा भी कड़वाहट आपको दूर करना है तो उसके लिए क्या करें, ये टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। लिए अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद करेले को कट कर लीजिए और उसमें आप नमक उसमें मिला दीजिए, मतलब उसमें सॉल्ट अच्छी तरीके से मिला के आपको आधे घंटे तक उसको ऐसे के ऐसे ही रखना है और उसके बाद आप सब्जी बनाइए और उसके बाद आप देखिए करेले का जो भी कड़वाहट है वो बिल्कुल से हट जाएगा और सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों, ये रहे आकांक्षा के कुछ नए टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ब्लॉग तो ज़रूर आएगा, आज का ब्लॉग आपको शाम को देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं दोनों वीडियो आपके साथ शेयर करूं, तो ब्लॉग आपको शाम को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।